नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, अभी नौजवानों से मिल रहे हैं कि उनका सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में क्या कहना है। आम जनता से बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं गुरुजी के बारे में। दो ढाई साल हो गए गुरुजी समाज में नहीं है, तो आज समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मैम, मेरा नाम अंकुश है, आई एम लेक्चरर इन फिजिक्स। हाँ जी सर, क्या कहना चाहोगे सोसाइटी के बारे में आज के समय में? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई डेरा का डिवोटिव नहीं था, लेकिन जो गुरुजी ने काम किए हैं मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँ उनसे। उन्होंने क्या नहीं किया, यूथ से लेके, बच्चों से लेके, बच्चियों से लेके, उन्होंने बुजुर्ग तक की सुनी है, उनको सम्मान दिया है सोसाइटी के अंदर। मतलब बच्चों का जैसे देखा जाए तो हर चीज़ का उन्होंने ख्याल रखा है। अब जैसे वेश्यावृत्ति इतनी बढ़ रही थी, उन्होंने खुद मतलब कदम उठाए हैं, इतने सोसाइटी के अंदर अच्छे काम किए हैं, वेश्याओं को उन्होंने अपनी बेटियां बनाया, यूथ को उन्होंने मतलब बहुत सुधारा, नशे छुड़वाए, हर तरह से उनको प्रेरित किया, जिस तरह से भी वो मोटिवेट हो पाए उनको मोटिवेट किया। सर लेकिन अभी जो गुरुजी हैं वो नहीं हैं दो तीन सालों से समाज के अंदर, तो अब क्या इफेक्ट आ रहा है? देखो मतलब बहुत ज़्यादा फर्क है कि पहले उन्होंने क्या क्या नहीं किया उन्होंने सोसाइटी के लिए, मतलब आर्मी के लिए कितना कुछ किया, जब भी उनको ब्लड की जरूरत पड़ी उन्होंने ब्लड कैंप लगाए, नशे इतने छुड़वाए उन्होंने, कहाँ हम पहले का रिकॉर्ड देख लो और आज का रिकॉर्ड देख लो, कितना ज़्यादा डिफरेंस है उसमें। मतलब यूथ कितनी मतलब नशे की तरफ बढ़ गया है अब दो तीन सालों के अंदर। तो गुरुजी की बहुत ज़्यादा सोसाइटी को ज़रूरत है, तो हम तो यही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा उन्होंने सुधार किया था यूथ के लिए, मतलब सॉन्ग बनाए, जिस तरह से उन्होंने मोटिवेट कर सके वो उन्होंने हर कदम उठाया। जैसे आजकल का युवा फिल्मों की तरफ ज़्यादा जा रहा है, थिएटर की तरफ जा रहा है, गंदे आजकल अच्छे गंदे सॉन्ग आ रहे हैं, तो उन्होंने हर तरह से यूथ को मोटिवेट किया ताकि वो कैसे ना कैसे नशे को छोड़ें, भलाई की तरफ जाएं, लोगों की मतलब अच्छाई की तरफ जाएं, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें घर में, सब कुछ उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज किया यूथ के लिए। आज के समय में कितने लोग सर गुरुजी के साथ हो? आज के लोग में जितने पहले थे उतने ही अब है, जिनको सच्चाई का पता है, जो जाते थे उनको सब पता है, लेकिन जो नहीं जाते थे, जो घर पे बैठे थे, उनको जो दिखाया गया मीडिया ने, तो वो तो वही समझेंगे। अब मीडिया जो बताएगा, जो दिखाएगा वही समझेंगे, मतलब जो बात नहीं है वही घुमा फिरा के पता नहीं कहाँ से उनको पैसा मिलता है। आपका आरोपों के बारे में क्या मानना है? आरोप जो पहले जाता था डेरे के अंदर, अब जैसे बच्चियाँ पढ़ती थी स्कूल के अंदर, हमारी खुद की बहनें पढ़ती हैं स्कूल के अंदर, उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा, हम खुद जाते रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि जो दिखाया जा रहा है, बल्कि हमारे गुरुजी तो बहुत ज़्यादा प्रेरित करते थे कि ऐसा कुछ नहीं करना, मतलब छोटी छोटी बच्चियों को भी प्रेरित करना, मोटिवेट करना कि मतलब तुमने ऐसे एक्सप्रेशन देने हैं, अगर तुमको कुछ कहे कोई तो तुमने ऐसे उनको मतलब आगे से रिप्लाई देने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सुधारा और वही आरोप उन पर लगा दिए गए। हाँ जी सर, आप आरोपों को नहीं मान रहे हो तो, और आपने जो उनकी जो काम उनके बताए हैं, तो दुनिया को क्या बताओगे? क्योंकि दुनिया ने सर जितना भी देखा है, ये टीवी चैनल्स के द्वारा, जो भी मीडिया के द्वारा जाना है, उनको इसी के द्वारा देखा है। हाँ जी, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि खुद आएं, खुद देखें डेरे के अंदर क्या होता है, आज भी नाम चर्चा चलती है, हर भलाई का काम हो रहा है, उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए यूथ के लिए, समाज के लिए, मतलब क्या नहीं किया उन्होंने हर समाज के लिए, उन्होंने हर जाति के लिए, हर बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं था, लेकिन जैसे उन्होंने हमारे समाज के यूथ को प्रेरित किया, मोटिवेट किया, तो आजकल मतलब बहुत ज़्यादा उनको सम्मान भी मिलने लगा, बहुत ज़्यादा हमारी जो बच्चियां हैं स्कूल की, जो इंटरनेशनल हमारे स्कूल हैं, बहुत ज़्यादा मेडल भी लेके आ रहे हैं वो, तो मतलब हर चीज़ में, प्ले में देख लो, स्टडी में देख लो, हर लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हैं वो, अच्छे कामों के तरफ अग्रसर हैं वो, मतलब कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं सिखाया जाता शुरू से ही, हम बहुत ज़्यादा मतलब हमने सुना है, हमने देखा है सब, कोई एक तरह की भी कोई भी गलत बात नहीं है वहाँ पे। आपकी आस्था विश्वास कैसा सर गुरुजी के? आस्था बहुत अच्छी है उनके काम के लिए, जो उन्होंने काम किए सोसाइटी के लिए, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ उनसे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँ। घर के मानते थे, मैं नहीं मानता था, लेकिन उनके जब मैंने काम देखे, मैंने खुद जाके देखा जब कि मतलब इतना उन्होंने प्लांटेशन कर रहे हैं, कोई भी बर्थडे होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है तो इतना प्लांटेशन करते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, हमारी कंट्री के बारे में सोचते हैं। अब अगर यूथ ना
यूथ को अगर नशा ना छुड़वाते वो, तो मतलब हमारे देश को कितनी ज़रूरत है युवा की। अगर नशा होगा तो युवा क्या कर लेगा, खुद के लिए कुछ नहीं कर पाएगा तो देश के लिए क्या करेगा वो। तो मतलब सब कुछ उन्होंने इतना छोटी से छोटी बात सोची, बारीकी सोची कि मतलब कोई भी हमारे घर की बेटी वो किसी भी समाज में है, मतलब कहीं भी जाए उसको अच्छा घर मिले, कोई भी हमारी बेटी है खाने पीने वालों के घर ना जाए, मतलब शराब ना पिए, अच्छी सोसाइटी में रहें, अच्छा जीवन जाए, उन्होंने यही सारा कुछ प्रेरित किया है। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँ और समाज को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनको जल्दी वापस आना चाहिए। सरकार से भी मैं यही अनुरोध करूंगा।